राइजिंग पाकिस्तान में हमने आज बात करनी है इस सफेद छड़ी की जिस वक्त मेरे हाथ में है। और अगर आप किसी के हाथ में ये सफेद छड़ी यानी व्हाइट केन देखें तो हम सभी को मालूम है कि इससे मुराद ये होती है कि वो शख्स बीना नहीं है, वो देख नहीं सकता। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर आप किसी के हाथ में व्हाइट छड़ी या सफेद छड़ी देखें तो क्या दिल दुख, हाय बेचारा देख नहीं, देखो यू नो आप उस पर तरस खाने लग जाते। लेकिन राबेल मेरी दोस्त है जो कहती है कि नहीं, हम पे तरस नहीं खाना, व्हाइट केन का मतलब ये नहीं है कि आप हम पे तरस खाने लग जाएं। राबेल कहती है कि व्हाइट केन का क्या मतलब है, ये हम उनसे पूछेंगे। मेरे साथ मौजूद है राबेल पीरजादा जो कि चीफ कोऑर्डिनेटर है पाकिस्तान फाउंडेशन फाइटिंग ब्लाइंडनेस की, और आज दुनिया भर में व्हाइट केन का दिन मनाया जा रहा है, इसलिए हमने सोचा राबेल को बुलवाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। क्या हाल है राबेल? आई एम प्रीटी गुड। अच्छा ये बताओ कि भाई उमन वैसे तर्स खाया जाता है व्हाइट केन, है ना? आप क्या कहती हैं व्हाइट केन को देख के क्या करना चाहिए? हमें व्हाइट केन को देखेंगे, वाओ ही इज एंड शी इज ब्लाइंड, बिकॉज व्हाइट केन इज नॉट सिंबल ऑफ सिंपैथी, इट्स अ सिंबल ऑफ एम्पैथी। देखें आप भी तैयार हुए आज, ठीक है ना? अब देखें आप देख के तैयार हुए और हमें देखें, हमने अपना सूट भी खुद डिजाइन किया, मेकअप भी खुद किया, तैयार भी खुद हुआ, तो मुझे देख के तो वाह बोलना चाहिए। एग्जैक्टली, जबरदस्त भाई। और ये जो सूट खुद डिजाइन किया है तो इसके अंदर तो मतलब बड़े जनाब मैरून और ब्लैक और व्हाइट का बड़ा जबरदस्त सा कॉम्बिनेशन भी दिया हुआ। वो आप भी कर सकते हैं, बहुत इजी सा है। मैंने क्या किया, एक बुटीक पे गई, शर्ट लिया, उसको बीच से काट दिया, अच्छा वो काट के उसके ऊपर मोती लगा दिए, ये बन गया गाउन। अच्छा। फिर मैंने जींस ली और जींस लेके इसको नीचे से कट कर दिया। ओके। कट करके उसके ऊपर जिप लगा दिए और उसके ऊपर पर्स लगा दिया, तो हम हो गए स्टाइलिश पर्स लगा के। जबरदस्त। अच्छा राबेल ये बताएं कि जो व्हाइट केन का सफेद छड़ी का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है, इसका मकसद क्या है, ये क्यों मनाया जाता है? Well, ये मैं सबको ही बताना चाहूंगी, और इसलिए हम बार बार कहते हैं दैट इट्स अ सिंबल ऑफ एम्पैथी, नॉट अ सिंबल ऑफ सिंपैथी, क्योंकि आपको पता है जो दो जंगें अजीम हुई थी, याद होंगी आपको, जो वर्ल्ड वॉर हुई थी, मेरे सामने हुई थी, बिल्कुल याद। हाँ मुझे भी याद है। नहीं मैं तो उस वक्त सितारों में घूम रही थी, अब मैं ये थोड़ी कह सकती हूँ मैं आपके साथ थी। तो उसमें क्या हुआ था कि बहुत सारे जो सोल्जर्स थे ना वो ब्लाइंड हो गए थे। ओके। तो उस वक्त वहाँ की हुकूमत ने सोचा कि हमारे आर्मी के लोग जो हैं उनकी लाइफ तक क्यों हो गई है, इनको एंजॉय करने के लिए कुछ करना चाहिए। ओके। तो तब उन्होंने एक केन्स निकाली। ओके। आपको पता है देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ केन्स। अच्छा। एक वो है जो हमारे यहाँ पे खत्म हो जाती है नी पे, ठीक है। एक वो है जो हमारे बैली बटन पे खत्म होती है। ओके। थर्ड वो है जो हमारे यहाँ खत्म होती है। ओके। अच्छा अब ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आप बताएं जो इतनी केन है वो किस काम आती होगी? मैं आपको ये आइडिया दे चुकी हूँ कि सोल्जर्स के लिए बनाई गई थी। तब आप मुझे ये बताइए जो केन नी तक खत्म होती है उसका क्या रीजन होगा? मुश्किल सवाल, नहीं पता और करें। हाँ हाँ बताओ। अच्छा उसका रीजन ये था कि जो भी आर्मी के लोग थे ना मोर्चों में जाते थे कैंपेन, ताकि वो नीचे बैठ के उस केन से अपने आप को सर्च करें और वो मूव करें, उनको ये फील ना हो कि डेट वी कैंट सी। अगर ये बड़ी केन से आप नीचे बैठ के मोर्चों में जाएंगे नहीं जा सकते ना। यस, उसके लिए छोटे साइज की केन चाहिए। अच्छा फिर अब चले, अब ये बहुत आसान, जो बैली बटन तक आती है उसका क्या मकसद है ये बता दें। उसका मकसद ये कि आप मोर्चे के अंदर लेट के या क्रॉल करके या रिंग रहे हैं जमीन पे, तो आप साथ साथ उसको यूज कर सकते हैं। आप सुबह के टाइम 9 बादाम खाया करें। अच्छा। हाँ थोड़ा सा जहन बहुत अच्छा होता है। अगर हम लेट के व्हाइट केन यूज करेंगे तो हम कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? उसका मेन पर्पस ये होता है जब हम मार्केट में जाते हैं, हम इधर उधर वापस जाते हैं, ताकि हमारी व्हाइट केन को इससे कोई डिस्टर्ब ना हो, हम इसको बैली बटन के पास रख के और राइट टू लेफ्ट स्लाइड करते रहे, ठीक है? अच्छा, अच्छा चले आप सबसे आसान जो हमारे यहाँ तक आती है उसका क्या पर्पस है? वो तो नॉर्मल चलने के लिए जो मेरे हाथ में इस वक्त। नहीं ये जवाब अच्छा, भी गलत हो गया राबेल। सारे जवाब गलत है। अब इस खुशी में आप मुझे गाना सुनाएंगे। इसका मकसद ये है कि देखें जब मैं, मेरा भी तो दिल करता है मैं लॉन्ग वॉक पे जाऊं, मैं हाइकिंग करूं, मैं एंजॉय करूं, तो अब जरूरी थोड़ी है कि मैं हर वक्त किसी का हाथ पकड़ के घूमती रहूं। मेरा दिल करता है ना कि मैं इजीली मूव करूं। Exactly. तो जो यहाँ तक आती है जब मैं मार्केट में होती हूँ वो हेड टेक्निक के काम आती है, कोई चीज मेरे सर पे ना लगे। एंड सेकेंडली लॉन्ग वॉक में मैं उसको स्लाइड करती हूँ, देन राइट एंड देन लेफ्ट। और आपको पता है इस दफा हम क्या कर रहे हैं व्हाइट केन डे पे? मुझे ये इस सवाल का जवाब मुझे आता है। और मैं गाना गाने से बच जाऊंगा। एक सवाल, इस
दफा व्हाइट कैंडे पे राबेल और इनके बहुत से साथी जो कि नाबीना हैं, जो देख नहीं सकते, वो पहाड़ों पे हाइकिंग करने जा रहे हैं, करेक्ट? कुछ कुछ ठीक कह सकते हैं, प्लीज मान ले। गाना गाने से बच जाऊंगा नहीं, गाना तो आपको गाना पड़ेगा। हाँ, लेकिन एक चीज है तो सिख भाई, गाना आप मुझे सुना दें। इट्स माय प्रॉमिस, मैं आपको हाइकिंग पे नीचे नहीं गिरने दूंगी। अच्छा, वो कैसे? इट्स माय प्रॉमिस। अच्छा, ये बताओ कि हाइकिंग पे जाने का ये प्लान क्या है? चले, वो प्रॉमिस, ये डील तो हो गई। अब बताएं हाइकिंग पे कैसे जाएंगे और कब जाएंगे और कैसे उसको एंजॉय करेंगे वो सब लोग जो कि इस एक्सपीरियंस को आज तक नहीं कर सके। एग्जैक्टली, यही चीज हमारे जहन में आई कि जब व्हाइट कैन डे सेलिब्रेट किया जाता है तो यही कहते हैं कि जी वॉक करवा लें, ब्लाइंड वॉक कर ले, बड़ी बात है, चल ले, बड़ी बात है। हमने कहा नहीं, व्हाइट कैन का मकसद ये है कि आप चले और बकायदा अल्लाह ताला की खूबसूरत वादियों को, खूबसूरत पहाड़ियों को उनको देखें, उनको महसूस करें, उसको एंजॉय करें। इसलिए हमने तकरीबन 300 लोगों के साथ हम लोग हाइकिंग करने जा रहे हैं ट्रेल सेक्स पे। ओके, और ये इस्लामाबाद की मार्गला के पवोस साथी जो इस वक्त इस्लामाबाद में नहीं है, कहीं और बैठ के हमें हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं। Exactly. हम आपको बताएं कि इस्लामाबाद की जो मागला की पहाड़ी है उसमें मुख्तलिफ ट्रेल्स हैं, ट्रेल 6 है, 5 है, 4, 3, और उसमें कुछ बहुत खतरनाक से हैं, कुछ जरा आसान से हैं मेरे जैसे लोगों के लिए। उसमें से ट्रेल 6 पे 300 नाबीना अफराद के साथ एक वॉक हो रही है जो पहाड़ चढ़ेंगे और उतरेंगे। हम वॉक नहीं कर रहे, हम हाइकिंग कर रहे। हाइकिंग कर वॉक तो आप सीधा सीधा चलते हैं। Exactly. ना, हाइकिंग का मतलब होता है हम स्टोन्स पे हम मूव करते हैं, हम स्टोन्स पे अपना बैलेंस रखते हैं। और तसीक भाई, हमने इसमें इंक्लूसिव उसमें रखा है, हमने एक वीआई के साथ एक एस्कोर्ट रखा है। Okay. यानी कि एक विजुअली चैलेंज के साथ एक एस्कोर्ट, लेकिन आपकी मेरे उसमें ऑपोजिट होगा। हाँ। आप वीआई होंगे, मैं आपकी एस्कोर्ट होंगी। बस ठीक है, मुझे तो लेके जाएगी राबेल, है ना? यस, मैं आपको वॉकिंग बैंड पहना दूंगी, ठीक है, ताकि आपको ये ना लगे कि उफ अल्लाह मैं तो चल ही नहीं सकता। तो मैं वॉकिंग बैंड एक मेरे हाथ में होगा, एक आपके हाथ में होगा, डन हो गया। और फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि कितने सारे बंदर हैं, कितनी अच्छी कोयल की आवाज है, कितने खूबसूरत दरख्त हैं, और ये फैसल मस्जिद के बिल्कुल पीछे है। आपको मजा आ रहा है ना सुन के? बहुत मजा आ रहा है और मैं इसको एक्सपीरियंस भी करना चाह रहा हूँ। अच्छा राबेल, हमने ना अब एक छोटा सा ब्रेक लेना, लेकिन ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा कि वो जो बात हमने शुरू में की थी कि हम जो मेरे और आप जैसे लोग जो बात करते हैं कि नाबीना अफराद भी देख सकते हैं, तो आपने हमें ये बताना है कि आप लोग कैसे देख सकते हैं और वो क्या दुनिया है जिसको आप देखना कहते हैं। ठीक है जी, एक छोटा सा ब्रेक। राइजिंग पाकिस्तान में आई एम रियली एंजॉयिंग, राबेल पीरजादा हमारे साथ मौजूद है। आज पूरी दुनिया में व्हाइट कैन यानी सफेद छड़ी काल में दिन मनाया जा रहा है। रही मेरे साथ, अभी मिलते हैं। मेरे साथ राइजिंग पाकिस्तान में आज मौजूद हैं राबेल पीरजादा। आज व्हाइट कैन डे है, सफेद छड़ी का आलमी दिन है और हम राबेल से गप्पे लगा रहे हैं। राबेल ने मेरे से क्विज खेला है जिसके सारे जवाब मुझे नहीं आते थे और अब जुर्माने के तौर पे मैंने गाना सुनाना है। Exactly. थोड़ी देर में पहली दफा सुनाने लगा हूँ गाना सिर्फ राबेल तुम्हारे लिए। थैंक यू। मैं भी आपको पहली दफा हाइकिंग पे लेके जाऊंगी, गिरने नहीं दूंगी, सिर्फ आपके लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा जी राबेल, ये बताएं कि ये जरा थोड़ी सी ये मिस्ट्री सॉल्व करें कि आप क्यों कहती हैं कि नाबीना अफराद भी देख सकते हैं। देखिए वेल, मेरी बात सुने, सबसे इजीएस्ट टास्क जो जितने देख मुझे देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जो सब कुछ, आप जब लाइट जाती है ना, थोड़ी देर के लिए आपको लगता है कि सब कुछ अंधेरा हो गया, बिल्कुल ठीक है, और आपको कुछ नजर नहीं आता। और एक आप बचपन में एक गेम खेलते थे हाइड एंड सी, आंखों पे पट्टी बांध के, बिल्कुल खेलते थे। उसके बाद क्या होता था, थोड़ी देर के बाद ऐसे बाकी सेंसेस सारी ऑन हो जाती थी। हाँ। आपकी लिसनिंग स्किल्स हैं, आपकी अदर सेंसेस हैं, सब ऑन हो जाते थे और फिर आप आहिस्ता आहिस्ता जो है ना आपको हर चीज पता लगने लग जाती है। और नेचुरली जब लाइट जाती है ना तो अंधेरे में भी कुछ टाइम के बाद देखेंगे आपको नजर आने लग जाते हैं। एग्जैक्टली। एंड सबसे अहम चीज, जब मैं ब्लाइंड हुई, लोग मुझसे अभी तक ये पूछते हैं कि राबेल कैसा लगता था पहले, आप ब्लाइंड साइटेड थी, दुनिया देख सकती थी, अरे हाय अब तो ब्लाइंड हो गई। मैं कहती हूँ कि देखें, वो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि टफ टाइम थोड़ा सा आता है,
लेकिन टफ टाइम अपने साथ बहुत सारी खुशियां लेके आता है. जब मेरे मुझे नजर आना बंद हुआ, विद इन 5 मिनट्स में मैंने अपनी निगाह खत्म कर दी, तो मुझे ये फील हुआ कि जैसे किसी ने मुझे जिंदा कब्र में उतार दिया है. मतलब हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा. फिर मैंने सोचा नहीं, हम हाइड एंड सीक भी तो खेलते थे ना, और हाइड एंड सीक खेलते खेलते आज मैं इस मकाम पे हूँ. इतनी रोशनियां आसपास कि यकीन करें कभी महसूस ही नहीं हुआ कि कोई अंधेरा था भी सही जिंदगी. अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह. अच्छा, ये जो आपने बात की कि दूसरी सेंसेस जो है वो स्ट्रांग हो जाती हैं जब आपकी कोई एक, तो ऐसे में आप इस वक्त जो नाबीना बहन भाई हमारे दोस्त इस वक्त हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, उनको आप 2-3 टिप्स आप क्या देंगी कि वो कैसे डिप्रेस ना हो और ये मत समझें कि अब हमारी जिंदगी की रोशनियां खत्म हो गई. अपनी दूसरी सेंसेस को कैसे स्ट्रॉन्ग करके जिंदगी में कामयाबी से जिया जा सकता है. देखिए, सबसे पहली बात, हम सबको पता है कि मायूसी गुनाह है. ठीक है, नेगेटिविटी में से पॉजिटिविटी में से पॉजिटिविटी निकालना कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है. असल चीज है कि नेगेटिविटी में से पॉजिटिविटी निकालना. ठीक है, एंड सेकेंडली, अब टेक्नोलॉजी इतनी आगे चली गई है कि ब्लाइंडनेस कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करती. आप मुझसे पूछ रहे थे कि मुझे कैसे पता चला मैंने मेहरून जीन्स पहनी है, उस पर डल गोल्ड पर्ल्स है, ब्लैक शूज पहने हैं और मेरा कलरफुल गाउन है, ब्लैक दुपट्टा है, मेहरून. ये सब की सब, एक तो सबसे अहम बात ये है कि अब कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए हैं लाइक टैप टैप टू सी, स्पीच इन, जो मुझे ये हेल्प करते हैं कि मैंने किस कलर का ड्रेस पहना है, सामने वाला मुझे देख रहा है, मुस्कुरा. जैसे कि मैं आपको इस टाइम कह सकती हूँ कि आप मुझे देख के मुस्कुरा रहे हैं और आप बहुत अच्छे और हैंडसम लग रहे हैं. लेकिन आप ये नहीं बता सकती कि मैंने किस कलर का कोट पहना हुआ है. एक्सक्यूज मी, आपने जो है व्हाइट कलर की शर्ट पहनी हुई है, ब्राउन कलर का जीन्स है, ब्राउन कलर की कोट है और आप बहुत ज्यादा डिसेंट और स्मार्ट लग रहे हैं. वाह भाई वाह, ये तो मुझे लग रहा है कि आपके बगैर भी कोई सेंसेस स्ट्रांग हुई नहीं. मैं अच्छा, एक ही जी बताइए जी. मैं यही बात कहना चाहूंगी कि देखें, हर इंसान में कोई ना कोई जो है मतलब डिसेबिलिटी होती है, किसी की नजर आती है, किसी की नहीं आती. अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, अल्लाह ताला ने किसी को भी बेमकसद पैदा नहीं किया. तो अगर हम अल्लाह का शुक्र अदा करते रहेंगे ना, इतनी रोशनी आपके आसपास हो जाएगी, इतनी रोशनी हो जाएगी कि आपको लगेगा कि आप पूरे नूर में नहा गए हैं. वाह, अच्छा, अब कोई एक दो बातें मैं चाहूंगा कि आप करो उन मेरे व्यूअर्स से, उन साथियों से कि जो खुद तो बीना है, खुद तो देख सकते हैं, लेकिन उनके बहन भाइयों में से, उनके बच्चों में से, उनके पेरेंट्स में से, दोस्तों में से, कॉलीग्स में से कोई ऐसा है जो कि नाबीना है, उनको क्या करना चाहिए? वल, मेरे जितने भी लोग जो मुझे देख रहे हैं, और मैं उनको यही बात कहना चाहूंगी कि आपके आसपास जितने भी विजुअली चैलेंज हैं, कि जिनको कोई भी आईसाइट का इश्यू है, नंबर वन, आप उनको कुछ भी सिखाने के लिए सबसे पहले खुद आंखें बंद करें. ठीक है, आंखें बंद करके उस चीज को आप खुद महसूस करें और वो चीज उनको सिखाएं. एंड सेकेंडली, उनको आपने एजुकेशन दिलवानी है, आईटी स्किल्स सिखाने हैं, पर्सनैलिटी ग्रूमिंग, इनकम जनरेशन, जॉब, एनीथिंग एल्स. तो आप पाकिस्तान फाउंडेशन फाइटिंग ब्लाइंडनेस का जो फेस है वहाँ पे जाएं, फेसबुक पेज पे हमें अप्रोच कीजिए. हमारा फोन नंबर है 0512253775. आइए और अपनी जिंदगी में बहुत सारी रोशनियाँ अपने लिए भी जमा कर लीजिए और दूसरों की जिंदगी भी रोशनियों से पुरनूर कर दीजिए. अच्छा राबिल, आपने भी कुछ देर पहले जिक्र किया उन एप्स का कि जो अब नाबीना अफराद की जिंदगी को बिल्कुल एक साइटेड शख्स की जिंदगी के करीब अब ले गई है. इन एप्स के बारे में कुछ बताइए, क्या ये पाकिस्तान में नाबीना अफराद यूज कर रहे हैं और क्या इफेक्टिवली यूज कर रहे हैं? वेल, बहुत सारी एप्स आ चुकी हैं, इवन के बहुत सारी आपके हाथ में व्हाइट केन है जी. इसको देखिए, इसके नीचे व्हील लग चुका है. ठीक है, बिल्कुल. और ये व्हील जो मुझे किस काम आता है कि मैं बहुत स्पीडली चलती हूँ, मतलब मुझे कहते तेज गाम आ रही है तो मैं इसे बहुत स्पीडली चलती हूँ. ये नहीं कि मैं बिल्कुल नई नजर आ रहा तो मैं स्लोली चलूंगी. और जो जहाँ तक सॉफ्टवेयर एप्स की बात है, वो ये है कि हमारा जो इदारा है पाकिस्तान फाउंडेशन फाइटिंग ब्लाइंडनेस, इनकी जितनी भी सर्विसेज हैं पूरे पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में फ्री ऑफ कॉस्ट है. आपके पास कोई भी एंड्रॉयड सेट है, कोई भी आईफोन सेट है, उसके अंदर आप ये ऐप ऐड करें. सुपर सेंस है, सुपर सेंस की मदद से आपको पता चलेगा सामने कितनी चेयर्स हैं, कितनी टेबल्स हैं, कौन बैठा हुआ है. और इसके अलावा टैप टैप सी की मदद से आपने कलर्स देख सकते हैं. बी माई आईज एक सर्विस है जिसपे वॉलंटियर्स बैठे हुए हैं. अब अगर आप गलती से किसी जगह पे चले गए हैं और आप रास्ता भूल गए हैं, आप बी माई आईज पे कॉल करते हैं, वहाँ पे वॉलंटियर्स जो हैं वो बैठे हैं और वो आपको आराम से मूव करवा देते हैं. तमाम सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट. अच्छा, एक दफा फिर बता दें जी, बी माई आईज, टैप टैप सी, स्पीच इन, सुपर सेंस, सुपर सेंस एंड
My sweet white cane. अच्छा, और इनको पूरी दुनिया में इस्तेमाल तो किया जा रहा था. Exactly. वो मेरा सवाल वहीं पे है कि क्या पाकिस्तान में इस वक्त इस्तेमाल कर रहे हैं लोग? Of course, बड़ी तादाद में, बहुत बड़ी तादाद में यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमारे इस टाइम पे हम लोगों ने अब तक 35,000 से अबव स्टूडेंट्स को सर्विसेज दी हैं. और जो भी स्टूडेंट हमारे पास आता है, हम सबसे पहले उसकी एजुकेशन पे काम करते हैं, मतलब मास्टर्स, SCSS, LLB, ईच एंड एवरीथिंग. फिर हम IT की तरफ जाते हैं, बिकॉज विदाउट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हम कुछ भी नहीं कर सकते. तो उसके लिए अगर मुझे आपके साथ बैठना है तो ऑफकोर्स मुझे ऐसी ऐप यूज करूंगी, तो फिर मैं भी आपकी तरह खूबसूरत लगूंगी ना, ऐसे तो नहीं लग सकती ना. अच्छा, ये मुझे बताओ राबेल के जॉब अपॉर्चुनिटीज के हवाले से, इस वक्त नाबीना अफराद किस तरह की जॉब्स के अंदर आपको नजर आ रहे हैं? क्योंकि एक वक्त था कि जॉब्स की जो ऑप्शंस थी बड़ी लिमिटेड थी. Exactly. So what kind of jobs are you seeing visually challenged people these days? अब तो बहुत सारी जॉब्स आ गई हैं. इवन के पहले तो सिर्फ होता टीचिंग. अब टीचिंग से हट के CSS है, चार्टर्ड ऑफ अकाउंटेंट बन चुके हैं, हमारे ब्लाइंड जज हैं, यूसुफ साहब हैं, इसके अलावा हमारे ब्लाइंड जर्नलिस्ट हैं, इसके अलावा हमारे सरीना में काम कर रहे हैं, और बहुत सारी क्रिकेटर हैं, LLB किया हुआ है. अब तो हर फील्ड में नजर आते हैं. इवन कि अगर आप मेरे से बात करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग तो फैशन डिजाइनर्स भी प्रोड्यूस करते हैं. और उसमें हम यही करते हैं कि 1 month का हम कम्प्लीट कोर्स करवाते हैं. एंड तो सीख भाई, कैन यू बिलीव इट कि मेरा ये जो जीन्स और मेरा ये जो गाउन है, इसको एक विजुअली चैलेंज ने डिजाइन किया है विदाउट एनी साइटेड गाइड. हम उनको इतना ट्रेंड कर देते हैं, आफ्टर 1 month के बाद हम उनको एक बिजनेस किट देते हैं, एंड विद इन 2 years में हम 100 से अबव फैशन डिजाइनर्स मार्केट में दे चुके हैं. और जो कि इतनी सफाई से काम करते हैं कि आप खुद हैरान हो जाते हैं कि क्या ये ब्लाइंड ने काम किया हुआ है. तो भाई वो सिर्फ खवातीन के कपड़े डिजाइन करते हैं, मैं भी अपनी कोई जैकेट वैकेट उनसे डिजाइन करवा सकता हूं? नहीं नहीं, दोनों करते हैं. अच्छा, बॉयज के भी होते हैं, गर्ल्स के भी होते हैं. तो आपको सबसे इंटरेस्टिंग बात बताऊं, लोग ये समझते हैं फैशन डिजाइनिंग का कोर्स लड़कियां ज्यादा करती हैं, बल्कि मेरे पास 70% बॉयज ज्यादा ये काम करते हैं. ग्रेट. तो बस भाई आपने फिर मुझे कनेक्ट कराना है राबेल, और मैंने आने वाले दिनों में ना एक किसी विजुअली चैलेंज्ड नाबीना फैशन डिजाइनर के कपड़े डिजाइन किए हुए पहनने, और मिस्टर में आके मैं अनाउंस करूंगा कि ये इनके कपड़े मैंने पहने. ठीक है जी. देखें, अगर विजुअली चैलेंज के पहनेंगे फिर तो आपको चले हम दे देंगे, मतलब एक मिनिमम रेंज में. अगर आप मुझसे डिजाइन करवाना चाहते हैं तो फिर सोचना पड़ेगा. आपको तो मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकता. नहीं नहीं, अगर आप मुझे गाना सुना देंगे तो हो जाएगा. ओहो, मैंने सोचा था गाना भूल जाएगी राबेल, लेकिन और इसको मैं बातों में लगाऊंगा. नहीं भूली, नहीं भूली. अच्छा जी, खाना मैं आपको सुनाता हूँ, और इसलिए कि राबेल ने इतने प्यार से और इतने खुलूस से मुझे फरमाइश की. हालांकि आपको पता है कि मेरी वॉइस भी बड़ी महंगी है, मैं ऐसी नहीं गाना सुना देता. हम भी तो नायाब हैं. अरे वाह, क्या बात है, वाकई आप नायाब हैं. अच्छा जी, आलमगीर साहब का ये गाना है, मुझे बहुत पसंद है. ठीक है. देखा ना था कभी हमने ये समा ऐसा नशा, तेरे प्यार ने दिया सोचा ना था, खो गए सपनों में हम, दुनिया हमें अब जो कहे, दुनिया की रस्मों को तोड़ तोड़ चली राहें हमें अब जो कहे, राहों की बाहों को छोड़ छोड़ चली. देखा ना था कभी हमने ये समा ऐसा नशा, तेरे प्यार ने दिया सोचा ना था, खो गए सपनों में हम. वाओ, मैं आपको खड़े होकर स्टैंडिंग ओवेशन नहीं दे सकती क्योंकि फिर मेरा माइक उतर जाएगा. इसलिए मैं बैठ के आपको सैल्यूट कर देती हूं. थैंक यू सो मच. अच्छा ये बताएं कि हमने बहुत से प्रोफेशंस की बात की जो कि नाबीना अफराद, अब हम गाने और म्यूजिक की बात कर रहे हैं. नाबीना अफराद बहुत अच्छे म्यूजिशियंस भी होते हैं, है ना? सिर्फ म्यूजिशियन नहीं होते, डांसर भी होते हैं. डांसर्स भी होते हैं. Exactly. और मुझे याद है आपके एक दफा मैं एक इवेंट पे आया था. Exactly. और वहाँ पे उस नौजवान का नाम मुझे भूल गया, लेकिन उसने बड़ा जबरदस्त डांस किया. Exactly. तो ये बताएं कि क्या परफॉर्मिंग आर्ट्स के अंदर भी आप समझती हैं कि कुछ ट्रेनिंग्स लेके अपने प्रोफेशन ना सही शौक की प्यास तो बुझाई जा सकती है, तो म्यूजिक डांस इस साइड पे भी आ रहे हैं लड़के लड़कियां? वेल, म्यूजिशियन की फील्ड में, म्यूजिक की फील्ड में तो बहुत पहले से हैं बच्चे.
इतना अच्छा गिटार बजा लेते हैं, बांसुरी बजा लेते हैं, वायलेंस बजा लेते हैं, सितार बजा लेते हैं, इसमें तो बहुत पहले से है। और देखिए कोई भी आर्ट वो बुरा नहीं होता, ठीक है, क्योंकि अगर आप ये देखें ना कि मतलब हम कहते हैं कि जी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला को हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की आवाज़ पसंद थी, वो कहते थे मुझे हम्द पसंद है दाऊद जब तुम हम्द करते हो, तो इसका मतलब ये है कि कोई भी चीज़ बुरी नहीं होती, हाँ जब तक वो आपके दिमाग में या आपके दिल में कोई गलत फीलिंग्स ना लेके आए, ठीक है। तो अच्छा म्यूजिक, अच्छी चीज जो होती है वो वैसे रूह का सुकून होती है, तो उसमें कोई भी चीज बुरी नहीं है। जो हाँ, बट एक चीज, तमाम जितने भी हमारे सिंगर्स हैं उनको हम ये बात कहते हैं, चाहे आप सिंगर बने चाहे आर्टिस्ट बने कुछ भी, लेकिन अपनी एजुकेशन मत छोड़ें। क्योंकि अगर आप एजुकेटेड हैं तो आप डिजाइनर हैं, आप आर्टिस्ट हैं। अगर आप एजुकेटेड नहीं हैं, अगर मैंने ये जीन्स डिजाइन की है तो मैं क्या हूँ, मैं फैशन डिजाइनर कहलाऊंगी, कुछ भी। अगर मेरे पास एजुकेशन नहीं है तो कुछ भी नहीं, मैं एक आम से दर्जन कहलाऊंगी या आम से मोची कहलाएंगे। तो एजुकेशन मस्ट है, बिल्कुल ठीक। अच्छा राबेल, अब ये बताइए कि पाकिस्तान के अंदर यूजुअली जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो एक विजुअली चैलेंज्ड बच्चे को इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकता। सो जरा हमारे व्यूअर्स को ये बताइए कि अगर किसी के यहाँ नाबीना बच्चा है तो उसकी एजुकेशन को वो कैसे परसू कर सकता। अच्छा वेल, सबसे पहले हम ये बात कह देते हैं, कोई भी मसला हो हम कहते हैं हमारी गवर्नमेंट हमें सपोर्ट नहीं, ये सिर्फ गवर्नमेंट का काम नहीं है, ये हम सबका काम है। हम सब मिल के कदम से कदम मिलाएंगे तो हम पाकिस्तान को दुनिया के एक बेहतरीन मुल्कों में एक बेहतरीन मुल्क साबित कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास जो बच्चे आते हैं, हम फिफ्थ टिल मास्टर्स तक जो है उनको एजुकेशन देते हैं। आप वो कैसे देते हैं, आपके पास एक मैगजीन है, आप रीड कर रहे हैं, मैं भी तो रीड करना चाहती हूँ ना, ये कोई बात है, एक इन्फॉर्मेशन आपके पास है और मेरे पास नहीं है, तो उसके बाद हमारे पास दो मीडियम है, एक तो हम क्या करते हैं उस बुक को रिकॉर्ड कर देते हैं, ठीक है, यानी कि आप यूनिवर्सिटी में हैं या आप मेरे साथ हैं तो जो इन्फॉर्मेशन आपके पास है सेम एज मेरे पास है। सेकेंडली, अगर मेरे पास टाइम शॉर्ट है और बच्चा CSS, LLB और कुछ और बुक्स पढ़ना चाह रहा है तो हम उसको ई बुक में कन्वर्ट कर देते हैं। ओके, आपको पता है ई बुक क्या चीज है? थोड़ा थोड़ा पता है, थोड़ा थोड़ा पता है, देख ले, एक और गाना बज जाएगा आप सोच ले। अच्छा, ई बुक पे आप उसको ई बुक कन्वर्ट कर देते हैं, आप उस किताब तक रसाई हासिल कर सकते हैं। और एक स्क्रीन सॉफ्टवेयर है जिसको हम जॉस बोलते हैं, ओके, और जॉस की मदद से वो सब पढ़ लेते हैं। ये हमारे जितने भी माशाल्लाह से बड़े प्रोफेशनल्स हैं, सीनियर प्रोफेशनल्स, वो ई बुक की मदद से ही आज उन्होंने अपने आप को मनवाया हुआ है। राबेल, थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया तुम्हें, हमेशा बड़ा मुझे अच्छा लगता है जब भी राबेल से मुलाकात होती है, चाहे ऑन एयर चाहे ऑफ एयर। आपको बहुत मुबारक हो व्हाइट कैन डे, हमें बहुत मुबारक हो व्हाइट कैन डे, और आज इतनी अच्छी आपने इन्फॉर्मेशन दी, थैंक यू। हैप्पी व्हाइट कैन टू एवरीवन, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, हैप्पी व्हाइट कैन टू एवरीवन। बहुत बहुत शुक्रिया राबेल पीरजादा, गॉड ब्लेस यू, हैव अ ग्रेट डे। हम चल के अब आपसे चाहेंगे इजाजत, जिंदगी ने दी इजाजत, तो फिर मुलाकात होगी राइजिंग पाकिस्तान में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।